Julen nasulun tampo nga Rixin Dolkar. Magmi Fire and Fury Corps tang University of Ladakh History and Center for Himalayan and Trans-Himalayan Studies se as de kak gune Zungde la University of Ladakh e taru orchuna se kar dunjakchi ge lakkere jondar jig industry understanding Ladakh through its history, geography and culture e gorgyane ka dringne bhalla gozuk santano. This has been designed keeping specific requirement of Indian Army officers in mind, and I am sanguine that all officers who are attending or will attend this course in future will immensely benefit from the vast knowledge and deeply researched insights of the faculty of University of Ladakh. The main objective behind designing this very interesting course is to give necessary information and knowledge of the region to the stakeholders serving in Ladakh. It would in turn help in forming a better bond and ties with the local people and their traditions. This understanding will also help to facilitating the execution of various development policies, which will lead to strengthening the symbiotic, particularly the ties between the army and the natives. We have resource persons from the university faculty within UT Ladakh and from various institutions outside UT of Ladakh. Delhi na lungspe chat ar sokpo chinjikta ino yang evo naina borte Delhi jungis and jindrash ngapa chukpe lopta khang changma November 6 ar chu chukpa chukste borche se thakchad lena jatan ok is korla jipsal gyangtong khang thusmi tapas bhattacharya ne sanajat 470 के ऊपर है अगले कुछ दिनों दो तीन दिन इससे निजात पाना मुश्किल है क्योंकि वेदर कंडीशन दिल्ली का ऐसा ही बना हुआ है जिसके वजह से हवा नहीं चल रही है और इस वजह से ये जो स्मॉग है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरी अहम चीज है दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हो चुका है। इससे पहले ग्रैप 1, 2, 3 ये लागू था लेकिन ग्रैप 4 लागू होने की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगा दी गई है। जो ट्रक्स हैं डीजल की पेट्रोल की उनको एंट्री और एग्जिट में उनकी रोक लगा दी गई है दिल्ली के अंदर। स्कूल कॉलेजेस को बताया गया कि उसको बंद रखा जाए और सरकारी जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली और एनसीआर के वहां पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर 50% तक वर्कफोर्स में काम किया जाए तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली और एनसीआर में लगाए जाने की बात चल रही है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे हमने बताया AQI लेवल दिल्ली का बहुत हाई हो चुका है दिल्ली में। India Australia Education and Skill Council et sospa tang po chose sang sungol la gyagar tang Australia yontan eskore lunpo kuni parla sungdos jateno Australia aur Bharat ki education aur skill sector mein sampark gehra hote ja raha hai 6 aur 7 2 din भारत और ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाला है। रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और कई सारे जो जॉइंट प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ अनुभव एक्सचेंज भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा को जो प्राथमिकता दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारी रिसर्च कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे सारा विषय पे दो दिन पे चर्चा होगी। गोवे नार्सन युद्धन युलेल धने अर्चल्यां सुमचु सुबदुन पे ना कॉस्टर रोइंगे अर्चल्यां संग तालो गुमारांग शेजातेनो मैन सोलो विमेन सोलो और मिक्स डबल्स आयोजित किए जा रहे हैं। कोस्टल रोइंग अब दुनिया भर में नई पहचान बना रही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट डायरेक्टर इस्माइल बेग ने खुशी जताई है कि भारत में आखिरकार कोस्टल रोइंग का आयोजन हो रहा है। हमें भी यकीन नहीं होता कि इस कोस्टल रोइंग यहाँ पे हो सकता था लेकिन एक क्रेडिट में पहले से हमारे जो प्रेसिडेंट है रोइंग फेडरेशन के राजेंद्र सिंह देव में और उन्होंने जो GTCC के जो चेयरमैन थे अमिताभ जी को उनके सामने प्रपोजल किया था पिछले 6 महीने पहले हमने मीटिंग में। उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, फाइनली हो गया। ये पूरा क्रेडिट से इनको और पूरा गोवा गवर्नमेंट गोवा पीपल को मैं देना चाहता हूँ।